वाली जी, जी हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ही रिनॉन्ड हस्ती हैं जिन्हें बहुत सारा प्यार आप दे चुके हैं। ये मुल्लापुर दाका से एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, तो अब वे फिर से अकाली दल द्वारा दोबारा से इलेक्शंस में खड़े होने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। सत श्री अकाल सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पॉलिटिकल लाइन आपने कब और कैसे ज्वाइन की? देखो, मेरे फादर पहले गांव के सरपंच रहे हैं, सो बचपन से ही जैसे गांव में काम करते थे पिताजी के साथ, सो उसके बाद मैं भी सरपंच रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेजिडेंट रहा हूँ, फिर ज़िला परिषद का मेंबर बना, फिर चेयरमैन बना लुधियाना जिला परिषद का, उसके बाद MLA बना मैं 12 में। एक चीज़ सर हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, जब आप जिला परिषद के MLA थे, चेयरमैन थे, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हम कह सकते हैं कि अब्रॉड में जो जितने भी बैंक्स हैं उनसे काफ़ी ग्रांट्स पास करवाए थे और विलेजेस में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं विकास हुआ था, RO प्लांट्स लगे थे, रोड्स बनी थी, तो उस टाइम वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहा होगा? देखो, डेवलपमेंट मेरा शौक रहा है, सो इसीलिए हमारा फोकस ही डेवलपमेंट पर रहा। बहुत सारी नई क्रिएशंस, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट, चाहे वो पौंड रेनोवेशन के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पार्क के हों, ये हमने यहाँ पर जो गंदे पौंड होते थे उनको साफ़ किया, उनकी रेनोवेशन की। जैसे ये सामने एक पौंड आ रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में, इसको किस तरीके से हमने इनको नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये देखो, ये नेचुरली वहाँ पर आगे ये इस तरह के पौंड यहाँ पर डेवलप किए गए। ये सारा जो गंदगी है ना, इस वेल में आ जाती है, इसको मशीन से साफ हो जाता है, यहाँ पर पानी साफ होकर ही पहले जाता है, फिर इसके आगे पोर्शन बने हुए हैं, आगे पोर्शन बने हुए हैं, गंदी की यहाँ पर सारी सेटल हो जाती है, फिर सेकंड में वो पाइप लगा है, सेकंड में जाता है पानी, देखो दूसरे में भी जा नहीं रहा, जब जाएगा तो सारा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ये छोटा, इसके दो पोर्शन है, किसी के चार पोर्शन है, सो ये रेनोवेशन ऑफ पॉन्ड्स, स्पोर्ट्स पार्क, ये एक अलग प्रोजेक्ट है जो वैसे रूटीन में काम चलते थे डेवलपमेंट के, रोड्स, गलियां, नालियां, जो भी है ड्रेनेज का सिस्टम, वो तो है, सब हुई हैं, लेकिन कुछ हटके जो काम हुए हैं ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बखरे हुए हैं। हाँ जी, तो सर अभी फिर से आप इलेक्शंस में खड़े होने जा रहे हैं, तो अब टाइम पीरियड भी हम कह सकते हैं कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है, और जो आपके अपोजिशन पार्टीज भी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉमिसेस लेके चल रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको क्या लगता है आप उसको किस वे में एक्सेप्ट करेंगे, एक चैलेंज के वे में एक्सेप्ट करेंगे? देखो, उन्होंने करना है, हमने किया है, फ़र्क बहुत है, लेकिन वो हर बार कहते हैं करेंगे, किया कभी नहीं। हमने करके दिखाया है, हमारा जो भी काम है वो आपको दिखेगा, ग्राउंड पर दिखेगा, उनका हवा में सब कुछ। सो इसीलिए आज लोग समझ चुके हैं कि हमने किसका साथ देना है, जिसने काम किया उसका साथ देना है, और जो हवा में बातें करते हैं उसका साथ देना है। सो इस बार लोग डेवलपमेंट को वोट करेंगे, जो हमने काम किया उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, तो 2-2.5 सालों में हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं यूथ बहुत ज़्यादा नाराज चल रहा है। बड़े सारे वादे हुए थे कि नौकरियाँ मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, नशा ख़त्म होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यूथ टोटली आज हमारे साथ है, क्योंकि वो इनसे तंग आ चुका है। 2.5 साल में कोई भी डेवलपमेंट का काम यूथ के लिए कुछ नहीं किया गया, उनको इन्होंने कहा था कि हम घर घर नौकरी दे देंगे, वो नहीं मिली, यूथ को मोबाइल फ़ोन का भी इन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं मिला। सो इसलिए कोई भी वादा पूरा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम पंजाब में नहीं हुआ, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई काम नहीं हुआ। सो इसीलिए बाई इलेक्शन में ज़्यादातर होता है कि लोग सरकार के पक्ष में जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि टोटली जो जनता है यहाँ से कहाँ का वोटर है वो सरकार के खिलाफ है, कि उन्होंने पता भी ये सरकार ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, बाई इलेक्शन में कुछ नहीं किया, तो आगे क्या कर सकते हैं, इन पर कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। तो सर एक चीज़ हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग एक दूसरे की करनी स्टार्ट कर दी है, अपोजिशन पार्टीज़ आए दिन कोई ना कोई वीडियोस वायरल करती रहती हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडियाज़ का कोई इम्पैक्ट रहता है इस चीज़ों में, एक दूसरे की लेग पुलिंग जो होती रहती है? देखो, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये है, जैसे पिछले समय में काफ़ी यूथ जो आपके साथ था, उस समय जो आपकी तरफ से कोई पोस्ट डाली जाती थी चाहे वो नेगेटिव थी, बड़ा प्रचार होता था, लेकिन इस बार यूथ काफ़ी अवेयर हो गया, उन्होंने देखा कि गलत क्या है सही क्या है। इस बार काफ़ी, जे अगर कोई गलत पोस्ट डालता भी है ना, तो उसको वायरल ही वो होती, क्योंकि लोग उसका साथ नहीं, उसको शेयर नहीं करते, हाँ, उसको सपोर्ट नहीं करते,
सो इसलिए इस इलेक्शन में काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है। पीछे तो बड़ा ख़ास तौर पर हमारे खिलाफ तो अकाली दल के खिलाफ प्री प्लान्ड सोशल मीडिया पर बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब समय के साथ सभी लोग अवेयर हो रहे हैं। वो जो हमारे खिलाफ़ प्रचार करते हैं वो आज हमारे साथ हैं, वो आज हमारा साथ दे रहे हैं। सो समय के साथ सब कुछ जो आखिर में तो जो सच्चाई की जीत होती है, सो जो झूठ होता है उसके ज़्यादा लंबा समा उसके पैर नहीं होते। सो इसलिए अब जो सच्चाई है कुछ जीत की हो रही है, सो लोग सच्चाई के साथ हैं, लोगों को पता चल गया। इसलिए यहाँ पर इस बार नेगेटिव प्रचार बहुत कम है ही नहीं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, बहुत हो गया, उस सब झूठा था। अब लोगों को पता लगा, अब तो लोगों को शर्म आ रही है यार, हम ऐसा प्रचार करते रहे हैं, क्यों करते रहे हैं, कोई बात तो है ही नहीं थी। सर हमने भी कहीं ना कहीं कुछ सर्वे किया है, हम कर रहे हैं, मुल्लापुर दाखा से आप पहले भी जीत चुके हैं और लोगों से भी हमें सर्वे के दौरान पता चला कि आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, तो अब आप लोगों का भरोसा, अगर आप जीतते हैं इस इलेक्शंस में तो आप किस तरीके से खरा उतरना चाहेंगे लोगों के भरोसे पर? देखो पहले तो जो प्लेटफॉर्म हमने बना दिया यहाँ पर, जैसे स्पोर्ट्स पार्क का प्लेटफॉर्म बना है, उसकी 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 मेंटेनेंस, उस प्लेटफॉर्म पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अभी तो प्लेटफॉर्म बना है, उस वहाँ से खिलाड़ी पैदा करने हैं, प्लेयर पैदा करने हैं, ट्रेनिंग देनी है, उनकी मेंटेनेंस, वहाँ पर बड़ा कुछ करने को अभी बाकी है। क्योंकि दूसरे लीडर तो यहाँ पर सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। हमने इस एरिए के लिए कुछ किया है तो और करेंगे। सो लोगों को हमारे पर विश्वास है, चाहे हमारी गवर्नमेंट भी नहीं, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, किसी सोर्स से सिस्टम में बड़ा फंड है, हम कुछ करके जरूर दिखाएंगे। लोगों ने जो इतना विश्वास हम पर लोग जता रहे हैं, उनका जो विश्वास है हम टूटने नहीं देंगे। तो सर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे है अब इस टाइम, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं? देखो आम आदमी पार्टी तो पंजाब में ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, हो नहीं रही। इस बार उसकी जमानती बजे तो बहुत बड़ी गल हुई आम आदमी, क्योंकि पहले ही लोग वो उसकी तो संताप भंडा रहे हैं हम आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ पर वो MLA उनका छोड़कर भाग गया, पहले कहता था मैं क्रांति लेकर आऊँगा, मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। सो क्या कुछ नहीं किया, लोगों से धोखा किया, यही तब्दीली लाई है। सबसे मेन पॉइंट जो आज का एक सबसे सोशल टॉपिक जो पंजाब में डेली हम सुनते हैं या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सोशल मीडियाज पे देखते हैं, नशा, सिर्फ नशा ही है जो कहते हैं हर घर को आज बर्बाद कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे इसको कैसे रोका जा सकता है? मतलब आप क्या स्टेप्स उठाना चाहेंगे नशे को रोकने के लिए? सबसे बड़ा नशे को रोकने के लिए जो स्टेप उठाया गया, हमने उठाया यहाँ पर, जो ये स्पोर्ट्स पार्क बने हैं, यूथ को एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, वो अपने आप को स्पोर्ट्स में अपना समय बिताएं, अच्छी सेहत बनाएं। सो उसके लिए ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, नशे के लिए नहीं, दूसरा जो बीमारियों को बचाने के लिए। आज लोग आज डायबिटीज़ की चाहे बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर की है, सो हर एक को हमने ये प्लेटफॉर्म दिया कि वहाँ पर छोटे बच्चे भी जाएँ, यूथ भी जाए, बुज़ुर्ग भी जाएँ, हमारे यहाँ लेडीज़ भी जाएँ और जा भी रहे हैं। सो एक बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जैसे मैं बोल रहा था कि अभी तो प्लेटफॉर्म बन रहा था, हमारी गवर्नमेंट बदल गई, आज लोग मुझे मौका देते हैं, तो हम इस यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करके अच्छे प्लेयर यूथ को स्पोर्ट्स के साथ और जोड़ेंगे ताकि वो नशे से बच सकें। हम कह सकते हैं कि अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ फोकस करेंगे तो नशे की तरफ उनका माइंड डाइवर्ट ज़रूर होगा। तो सर मुल्लापुर दाखा के लोगों को आप कोई अपनी तरफ से अपीलिंग मैसेज, उन्होंने पहले भी आपको बहुत प्यार दिया है, अब भी वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, तो अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी दाखा के सभी वोटरों को यही अपील करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में 10 दिन रह गए, सोच समझ कर जहाँ पर उनका मन कहता है, उनकी ज़मीर जो कहती है, उसके हिसाब से वोट का इस्तेमाल करें, किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर ना करें। क्योंकि एक तरफ डेवलपमेंट है, एक तरफ मेहनत है, एक तरफ ईमानदारी से काम किया, एक तरफ अपनी ड्यूटी को पूरा बखूबी निभाया गया, तो दूसरी तरफ सारा कुछ हवा में है, सिर्फ झूठे कमिटमेंट्स हैं, झूठे लारे हैं, झूठे वादे हैं। सो अपने हैं और बेगाने हैं, लोगों ने देखना कि अपने को चुनना है कि बेगाने को, पहले बेगाने को मौका देकर देख लिया लोगों ने। सो इसलिए सारा बड़ा सोच समझ के लोग यहाँ पर फैसला लेंगे। सो उम्मीद है कि इस बार हमारा साथ देंगे, कह सकते हैं आपको पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल लाइन के सबसे रिनॉन्ड नेम मिस्टर मनप्रीत सिंह अयाली जी,
जिनकी तरफ से मुल्लांपुर दाखा के लोगों को बहुत ही अच्छा सा अपीलिंग सा मैसेज मिला कि अपने लीडर को सोच समझ के इलेक्ट कीजिए, वोट दीजिए, ताकि वो आने वाले टाइम पे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे काम कर सकें। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।